क्या लग रहा है अभी इस बार नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, मेयर उप मेयर के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि मेयर की जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, जितने भी मेयर आए उनके ऊपर किसी न किसी तरह का कोई ना कोई लांछन लगा? अभी तक जितना भी आरा में मेयर लोग खड़े हुए हैं, अभी हमको तो कोई नहीं दिखाई रहा है। आगे जो अवधेश यादव जी थे अपने रीजन में, जितना भी जो भी काम किए हैं, आरा में एक भी छठ घाट नहीं बना था। उन्हें सभी घाटों का जोरदान अपने कृपा से बहुत, मतलब कि सारा शहर का घाट बनवाए, और नाला का निकासी नहीं था, जो कि मेन आरा नहर घाट में जो बगल से मेन सड़क काट के उन लोग नाला का निर्माण करवाए, जो कि आज जल जमाव की समस्या मतलब निजात मिल रहा है। अवधेश यादव पर हम विश्वास करते हैं, इसलिए उनका काम से संतुष्ट हैं हम लोग, और सारे आरावासियों ने उनका काम देखा है, जो कि गांगी पर शमशान घाट था उन्होंने बनाया, और पिछला मेयर ने बना कुछ काम नहीं किया, जो कि बिजली का व्यवस्था ट्रांसफार्मर वगैरह सब लगा था, लेकिन उनको मतलब कि संचालित नहीं किया गया, खाली लूट घुसुट हुआ है निगम में। और जो आगे भी ये लोग किए हैं, दो तीन मेयर बदले अवधेश यादव के बाद, लेकिन कोई ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन हम लोग अवधेश यादव पर विश्वास जताते हैं और इन्हीं को हम लोग फिर से चुनेंगे, इसलिए कि हम लोग का ही विश्वासी आदमी है। क्या नए लोग भी मैदान में आए हैं कि नए पे क्यों नहीं भरोसा किया जा सकता? नए में उनका काम से हम वाकिफ नहीं है, उनका काम से संतुष्ट नहीं है, हम कैसा आएंगे क्या नहीं आएंगे, इनके काम से हम लोग संतुष्ट हैं, इन्हीं को हम लोग फिर चुनाव करने जा रहे हैं। पूरा पक्ष है पूर्चा जितेंद्र कुमार आए।